मानव सभ्यता के विकास के समय से ही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानव हित के लिए तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसी अनेक विद्याओं की खोज की गई, किंतु मानव ने अपने स्वभाव के अनुरूप सदैव ही इन विद्याओं का दुरुपयोग किया। इन विद्याओं की खोज की गई थी मानव को गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाने और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ कराने के लिए, किंतु मानव ने अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए सदैव ही इन महान विद्याओं का दुरुपयोग किया है। इन विद्याओं के दुरुपयोग में एक सबसे निकृष्ट उपयोग है किसी स्त्री पुरुष द्वारा किसी दूसरे स्त्री पुरुष को वशीभूत कर, वश में कर उस स्त्री पुरुष द्वारा दुराचार करना, अपनी काम वासना की पूर्ति करना। आज के समय में जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तब भी अनेक ऐसे लोग हैं जो कि इन महान विद्याओं का ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि किसी स्त्री पुरुष को अपने काम वासना की पूर्ति के लिए वश में कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही लड़की की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं, जिसको उसके अपने पड़ोसी ने ही वशीकरण विद्या का दुरुपयोग कर अपने वश में कर उस लड़की के साथ दुराचार किया। आप ये बोर्ड पर जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक लड़की की कुंडली है। जब इस लड़की की आयु मात्र 18 वर्ष थी, तब इसके पड़ोस में ही रहने वाले एक 45 वर्ष के इसके पिता के उम्र के समान व्यक्ति ने इस लड़की पर तंत्र विद्या का उपयोग कर इस लड़की को अपने वश में कर इसके साथ दुराचार किया। जब भी हम इस तरह की जन्म कुंडली देखते हैं या फिर किसी जन्म कुंडली में उन योगों को ढूंढते हैं कि जो योग बताते हैं कि किसी व्यक्ति पर किसी तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया जा सकता है, तब हमें कुछ विशेष योगों को देखना होता है। और ये विशेष योग हैं उस स्त्री या पुरुष का फोर्थ हाउस मून, एट हाउस, सिक्स हाउस और शनि राहु। इन कुछ विशेष ग्रह स्थितियों को देखकर हम ये जान सकते हैं कि क्या किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में तंत्र पीड़ित होने के योग हैं। अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो सबसे पहले हमें चंद्र को देखना है। चंद्र हमें बताएगा कि क्या इस जन्म कुंडली में तंत्र पीड़ित होने के योग हैं, क्या योग हैं जो देखकर हम कह सकते हैं कि इस लड़की को या इस पुरुष को सावधान रहना चाहिए। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र राहु के साथ युति में बैठा है। चंद्र 3 डिग्री का है और राहु 18 डिग्री का है, तो ऐसे में चंद्र अर्थात मन पर, राहु अर्थात पाप शक्तियों का, प्रेत आत्माओं का प्रभाव है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को प्रेत आत्मा कहा गया है, चंद्र को हमारा मन कहा गया है। जब तक किसी व्यक्ति का मन पीड़ित नहीं होगा, पाप प्रभाव में नहीं होगा, प्रेत आत्माओं के प्रभाव में नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव डाल ही नहीं सकती। किंतु केवल चंद्र पर राहु का प्रभाव आना यह सुनिश्चित नहीं करता कि किसी व्यक्ति को तंत्र बाधा हो सकती है। कई बार ये योग किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी दे देते हैं, किसी को डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं, किंतु तंत्र बाधा किस तरह से सुनिश्चित की जाती है और तंत्र क्रिया करेगा कौन और उसका उद्देश्य क्या होगा, ये भी जन्म कुंडली के माध्यम से बहुत ही सटीकता से जाना जा सकता है, जिसको आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर आपको नाड़ी ज्योतिष सीखने की इच्छा है, आप नाड़ी ज्योतिष सीखना समझना चाहते हैं, तो आप मेरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप गूगल मीट और जूम जैसी ऐप्स के द्वारा डायरेक्ट मुझसे जुड़कर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो हमने देखा इस कुंडली में चंद्र राहु के प्रभाव में है, जो कि दिखाता है कि इस लड़की का मन कमज़ोर है और यहाँ पर इसको मानसिक परेशानी होने की या तंत्र बाधा होने की समस्या हो सकती है, चांसेस हैं। अब इसके बाद हमें जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस को भी देखना होगा, फोर्थ हाउस जो कि मन का भाव है। अगर हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का प्लेसमेंट देखें तो वो अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का, तंत्र मंत्र का भाव है। जब चतुर्थेश अष्टम भाव में बैठा है तो सीधी सी बात है कि मन खुद से
एक ऐसे स्थान पर बैठा है जहां पर शमशान में साधना हो रही है। अष्टम भाव को शमशान का भाव माना गया है, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्याओं का भाव माना गया है, निकृष्ट शक्तियों का भाव माना गया है। और जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव और चंद्र पर राहु का प्रभाव आ जाता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस स्त्री या पुरुष की कुंडली में तंत्र बाधा का योग है। आप देखेंगे इस कुंडली में चंद्र और राहु चतुर्थ भाव में युति में है तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, चंद्र पीड़ित हो गया और मंगल के त्रिकोण में राहु का प्रभाव है। मंगल जो कि इस व्यक्ति का, इस लड़की का चतुर्थेश है, तो यह प्रभाव दिखाता है कि यहां पर इसके ऊपर तंत्र पीड़ित होने के योग हैं। अब तंत्र पीड़ित होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अनायास ही किसी तंत्र के प्रभाव में आ गया, या अनायास ही किसी पर किसी प्रेत शक्ति का वास हो गया, और कई बार शत्रु द्वारा भी किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के छठे भाव को शत्रु का भाव माना गया है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का संबंध इस पूरे योग से बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी शत्रु द्वारा तंत्र क्रिया की गई है। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी बुध है, जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, और अष्टम भाव में बैठकर वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी से युति कर रहा है। जहां बुध षष्ठेश है तो मंगल चतुर्थेश है, तो छह चार भाव का योग अष्टम भाव में बन रहा है, और छह चार अष्टम का योग राहु के प्रभाव में यहां पर शत्रु द्वारा मारण क्रिया करने का एक पूरा का पूरा योग बना रहा है। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, शत्रु ने तंत्र क्रिया की, मगर प्रश्न आता है कि हम ये कैसे जाने कि इस स्त्री या पुरुष पर शत्रु द्वारा काम वासना की पूर्ति के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। और आज के समय में जबकि इस तरह की विद्याओं का आप देखेंगे प्रचार प्रसार भी हो रहा है, आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं कि वशीकरण मुतकरणी, शादी में समस्या, प्रेम विवाह, अगर इनकी कोई समस्या है तो मिलिए फलाना बाबा से। हम जब YouTube या Facebook की भी स्क्रॉल करते हैं तो अक्सर इस तरह के एड्स हमारे सामने आते हैं। तो यानी कि इस तरह की विद्या इस समय बहुत ज़्यादा प्रचार में है, और जो खराब मानसिकता के लोग हैं वो अक्सर इस तरह की विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे में स्पेशली लड़कियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 99% केसेस में इस तरह की विद्याओं की शिकार लड़की होती हैं। पहला रीज़न किसी पुरुष की काम वासना के कारण, और दूसरा रीज़न जो कि एक महत्वपूर्ण रीज़न है लड़कियों के ऊपर इस तरह की शक्तियों का असर बहुत जल्दी होने का, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, और जो जितना ज़्यादा इमोशनल होगा, जो जितना ज़्यादा मन से कमज़ोर होगा, उस पर इन विद्याओं का उतनी ही जल्दी असर होगा। तो लड़कियां क्योंकि इमोशनल होती हैं, मानसिक रूप से उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती, क्योंकि वो एक फीमेल एनर्जी है, तो इसलिए उन पर इन विद्याओं का बहुत जल्दी असर होता है। तो अगर इस सारे योग में जबकि चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चतुर्थेश पीड़ित हो, चंद्र पीड़ित हो, अष्टम भाव का प्रभाव हो, छठे भाव का प्रभाव हो, जब इस सारे योग में जन्म कुंडली का सप्तम भाव मिल जाता है तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस लड़की पर जो तंत्र प्रयोग किया जाएगा वह काम वासना की पूर्ति के लिए किया जाएगा। तो आप देखेंगे इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चंद्र है, और सप्तम भाव का स्वामी चंद्र राहु के प्रभाव में है, प्रेत शक्ति के प्रभाव में है, और षष्ठेश शत्रु और अष्टमेश तंत्र क्रिया उसको प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूरा पूरा योग बनता है कि इस लड़की को काम वासना की पूर्ति के लिए वश में किया जा सकता है। अब किसके द्वारा किया जा सकता है, इसके भी जन्म कुंडली से इंडिकेशंस मिलते हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी गुरु है, जो कि शुक्र पर दृष्टि दे रहा है, और गुरु आप देखेंगे इस कुंडली में वक्री है। गुरु इस कुंडली में नीच का होकर बैठा है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहती है कि नीच का वक्री उच्च के समान फल देता है, किंतु यहां पर इस नीच की वक्री ने ही इस लड़की के लिए एक दुर्योग बनाया। किस तरह से? तृतीयेश
नीच है। तृतीय भाव हमारे पड़ोसियों का भाव होता है, हमारे मित्रों का भाव होता है। तो तृतीयेश के नीच होने का प्रभाव ये है कि इसके आसपास की जो सराउंडिंग है, इसके जो मित्र हैं, इसके जो पड़ोसी हैं, वो इसके लिए नीच भावना रखते हैं। उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही खराब है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ऐसे में गुरु वक्री होकर इस जन्म कुंडली के 12th हाउस पर प्रभाव देता है, सैया सुख पर प्रभाव देता है, यानी कि तृतीय भाव यानी पड़ोसियों की जो एक इच्छा है वो है 12th हाउस पर प्रभाव लेना। 12th हाउस जो कि सैया सुख का भी भाव कहा जाता है, और वो जब 12th हाउस पर प्रभाव देता है तब वो इस पूरे के पूरे योग को ज्वाइन करता है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि संबंध रखते हैं। तब जब गुरु नीच का वक्री होकर चंद्र और राहु पर प्रभाव देता है, सप्तमेश पर प्रभाव देता है, षष्ठेश पर प्रभाव देता है, अष्टम भाव और अष्टमेश पर प्रभाव देता है, तो गुरु यहाँ पर किसी मित्र, किसी पड़ोसी द्वारा या किसी रिश्तेदार द्वारा तंत्र क्रिया का योग बनाता है। क्योंकि गुरु जीव कारक ग्रह है, गुरु की एक खासियत है वो जिस भी भाव का स्वामी होता है उस भाव के रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे देता है। उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में जुड़ जाता है, क्योंकि गुरु को अपने आप में नवग्रहों में जीव शक्ति का, प्राण शक्ति का कारक माना है। तो इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर तृतीय भाव अर्थात आपके रिश्तेदार को, आपके मित्र को, आपके पड़ोसी को एक स्पेशल इवेंट देने की क्षमता दे दी। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में 12th हाउस का स्वामी गुरु है, यानी कि आपकी सैया सुख से रिलेटेड, इमोरल एक्टिविटीज से रिलेटेड एक जीवन शक्ति यहाँ पर गुरु ने दे दी। अब आप देखेंगे गुरु शुक्र पर प्रभाव दे रहा है, क्योंकि शुक्र जीव कारक ग्रह है, वो स्त्री है जिसकी ये कुंडली है। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को स्त्री के लिए जीव कारक ग्रह माना गया है, शुक्र पर प्रभाव दे रहा है, इस पूरे योग पर प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में नीच गुरु अर्थात नीच पड़ोसी की जो नियत है, जो दृष्टि है, वो इस लड़की पर है। और शुक्र क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, उस ग्रह के प्रभाव में बैठा है, उस ग्रह की राशि में बैठा है जो कि यहाँ पर अपने आप में प्रेत शक्तियों के प्रभाव में है। तो ऐसे में शुक्र का सप्तम भाव में बैठना, सप्तमेश का चतुर्थ भाव में बैठना, राहु के प्रभाव में बैठना षष्ठमेश और अष्टमेश के प्रभाव में बैठना, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस लड़की के साथ कोई व्यभिचार हो सकता है। जब भी इस तरह की कुंडली हमारे सामने आती है तो हम ऐसी लड़कियों के माता पिता को सलाह देते हैं कि आप अपनी बेटी को कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति का दिया कुछ खाने पीने से रोकें, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं कि कोई पॉइजन भी दे सकता है, कोई आपको वश में कर आपके साथ व्यभिचार भी कर सकता है। व्यभिचार के अगर योग देखेंगे तो वो भी यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट होते हैं, क्योंकि इस कुंडली में चंद्र, राहु, मंगल और बुध का योग है और शुक्र स्वयं से सप्तम भाव में बैठा है। तो ऐसे में धूर्त योग बनता है जो कि किसी स्त्री या पुरुष के साथ बड़ा धोखा कराने में सक्षम होता है। अब प्रश्न आता है कि इस लड़की के साथ जो व्यभिचार किया वो इससे उम्र में दुगने से भी ज़्यादा व्यक्ति ने किया, उसके क्या योग हैं? तो आप देखेंगे इस पूरे के पूरे योग पर शनि की सप्तम दृष्टि है, और शनि अपनी से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो इस पूरे के पूरे योग पर शनि की दृष्टि आने का प्रभाव ये दिखाता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसकी आयु अपने से बहुत ही ज़्यादा होगी। इस तरह से हम जन्म कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति पर कब कोई तंत्र क्रिया करेगा और उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।